पहले संदेश खाली पर बवाल, अब कूच बिहार पर आर पार। संदेश खाली के बाद अब कूच बिहार से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने, घसीटने, कपड़े फाड़ने और यौन शोषण का आरोप है। अब तक की जानकारी के अनुसार जिस महिला के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य है। इस घटना के बाद बंगाल में महिला अस्मिता का मुद्दा एक बार फिर गर्माने लगा है और इस मुद्दे पर बंगाल सरकार और बीजेपी फिर आमने सामने हैं। बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी की अल्पसंख्यक महिला कार्यकर्ता के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला नेता के साथ बदसलूकी और मारपीट की। इतना ही नहीं, उसे पीटा गया और कपड़े उतार कर घसीटा गया। सार्वजनिक रूप से उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। घटना की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से की गई है। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद से रोसुनारा खातून दहशत में थीं और अपने घर से बाहर निकलने से परहेज कर रही थीं। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। इस घटना की शिकार महिला की हालत फिलहाल स्थिर है। वहीं इस मामले की जांच को लेकर बीजेपी का एक डेलीगेशन कूच बिहार पहुंचा। डेलीगेशन को लीड कर रही बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। Very active worker of Bharatiya Janata Party, Minority Morcha. She has been stripped, beaten and paraded naked in our village by TMC miscreants. It is extremely shocking as a woman to see every day this kind of things happening. And more shocking is there is no statement and no action from our female chief minister, woman chief minister Mamata Banerjee. वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने इस घटना को संविधान से जोड़ते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। इसे कहते हैं तालिबानी राज। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक महिला मुख्यमंत्री और उनके अंदर में हमारे आदिवासी और दलित महिलाओं का ये बदतमीजी और उनकी इज्जत के साथ बेआबरू होकर ये पुलिस कार्रवाई नहीं करती। केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है और राज्यपाल की शक्तियों का इस्तेमाल कर ममता सरकार से रिपोर्ट मांगने की बात कही है। There is growing violence in many pockets of Bengal, particularly Kuch Bihar. I will immediately ask a report from the Chief Minister upon the authority. हालांकि यह पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी एक्शन या कार्रवाई की बात कही हो। हाल ही में ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने एक बैठक के दौरान कुछ महिलाओं को कोट करते हुए बड़ा दावा किया था, जिसमें कहा कि कुछ महिला हाल की घटना के बाद राजभवन में जाने से डरती हैं, जिसका जिक्र खुद महिलाओं ने सीएम ममता बनर्जी से भी किया था। दरअसल राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने 2 मई को राज्यपाल बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और अब महिला की इस कथित टिप्पणी पर हाईकोर्ट में राज्यपाल की तरफ से मुकदमा किया गया है। माना जा रहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी राज्यपाल ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा केस दर्ज कराया हो। बहरहाल राज्यपाल और राज्य सरकार की ये तकरार अच्छे लोकतंत्र की निशानी बिल्कुल नहीं है। बावजूद इसके लंबे समय से कोलकाता, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव का एपिसेंटर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।